Hello everyone, a very warm welcome to you all. Now in this video let's discuss an another case study which is an exceptional case study of lifting of corporate wheel that is Kapila Hingurani versus State of Bihar.

अब इस कंपनी को फाइनेंशियल क्राइसिस हो गई जिसकी वजह से इस कंपनी में बहुत सारे लॉसेस हो गए। तो इस केस में जो कि वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार है इस केस में ऐसी एक कंपनी नहीं बहुत सारी कंपनीज हुआ करती थी और इस कंपनीज की जो बिगेस्ट शेयर होल्डर थी वो थी स्टेट ऑफ बिहार इसीलिए ये कंपनी सारी कहलाती थी पी क्योंकि इसकी बिगेस्ट शेयर होल्डर थी स्टेट ऑफ बिहार अब क्योंकि ये सारी कंपनीज ये सारी पीएसयूज अपने एम्प्लॉयज को सैलरी पे नहीं कर पा रही थी और ये सिर्फ एक दो महीने के लिए नहीं ये काफी सालों तक चला जब एम्प्लॉयज को अपनी सैलरी नहीं मिली तो जब उनको उनकी सैलरी नहीं मिली तो ये एम्प्लॉयज और उनके फैमिली मेंबर्स की डेथ होने लगी ड्यू टू स्टावेशन मीन्स भूख की वजह से इन एम्प्लॉइज की एंड उनके फैमिली मेंबर्स की डेथ होने लगी सो हंड्रेड ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ वेरियस स्टेट ओन कॉर्पोरेशंस पब्लिक अंडरटेकिंग्स और अदर स्टैट्यूटरी बॉडीज इन बिहार हैड डाइड ड्यू टू स्टार्वेशन सो इस केस में कपिला हिंगोरानी जो कि सुप्रीम कोर्ट की लॉयर थी इन्होंने एक पिटीशन फाइल की अगेंस्ट स्टेट ऑफ बिहार क्योंकि स्टेट ऑफ बिहार वॉज द बिगेस्ट शेयर होल्डर ऑफ दिस पी एस तो इसीलिए कपिला हिंगुरानी ने स्टेट ऑफ बिहार के अगेंस्ट एक केस फाइल किया कि उन एम्प्लॉयज की डेथ हो रही है स्टार्वेशन की वजह से क्योंकि उन पी के एम्प्लॉय को सैलरी नहीं मिल रही है तो स्टेट ऑफ बिहार उन एम्प्लॉयज को सैलरी क्यों नहीं पे कर रहा है मींस अगर कंपनीज सैलरी पे नहीं कर रही हैं अपने एम्प्लॉयज को तो बिहार स्टेट को उन एम्प्लॉयज को सैलरी पे करनी चाहिए अब स्टेट ऑफ बिहार का कहना था कि ये सारी पी एंड कंपनीज एक्ट कहता है कि कंपनीज के शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है अप टू दी अमाउंट ऑफ शेयर वैल्यू अनपेड फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास रिलायंस के शेयर्स हैं एंड कल को रिलायंस कंपनी के एम्प्लॉइज को सैलरी नहीं पे करी जाती है तो क्या वो एम्प्लॉज आपके पास आकर कह सकते हैं कि रिलायंस ने हमें पेमेंट नहीं किया है या हमारी सैलरी नहीं पे करी है तो आप कर दीजिए तो आंसर इज नो no. क्यों? क्योंकि क्योंकि कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं जो मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है एंड दूसरा हमने पढ़ा है कि कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है एंड कंपनी की एग्जिस्टेंस अलग होती है उसके शेयर होल्डर की एग्जिस्टेंस अलग होती है तो क्या कोर्ट ने इस केस में यह जजमेंट पास किया होगा कि स्टेट ऑफ बिहार को सैलरीज पे करनी नहीं चाहिए एम्प्लॉइज की तो आंसर इज नो नाउ व्हाई द आंसर इज नो यहाँ पे स्टेट ऑफ बिहार जो कि इन पीएसयूज का शेयर होल्डर है उसको सैलरी क्यों पे करनी पड़ेगी तो यहाँ पे जो जजमेंट पास हुआ वो एक एक्सेप्शनल जजमेंट था क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट इन्वॉल्व है मतलब ये पीएसयूज हैं एंड इनके जो बिगेस्ट शेयर होल्डर है वो है स्टेट ऑफ बिहार एंड गवर्नमेंट की कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज होती हैं टुवर्ड्स पीपल तो अब क्योंकि लोग यहाँ पे भूख से मर रहे थे तो गवर्नमेंट ऐसे नहीं बोल सकती है कि कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी है एंड कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है तो इसीलिए स्टेट ऑफ बिहार की कोई लाइबिलिटी नहीं बनती है उन एम्प्लॉयज को सैलरी पे करने की और एम्प्लॉयज की भूख की वजह से या स्टावेशन की वजह से डेथ हो रही है तो होनी चाहिए या होती रहे तो गवर्नमेंट की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है टुवर्ड्स इट्स सिटीजन दैट इज वाई ये एक एक्सेप्शनल डिसीजन है एंड यहाँ लाइफ और डेथ की सिचुएशन है तो जजमेंट क्या पास हुआ जज ने बोला कि माना कि ये कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है या कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है बट आप क्योंकि गवर्नमेंट है एंड यहाँ लाइफ और डेथ का सवाल है तो आपको सैलरी पे करनी पड़ेगी तो इसीलिए ये एक एक्सेप्शनल डिसीजन है क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी

मीन्स पे लाइफ और डेथ का सवाल हो रहा है वहां पर कंपनी लॉ क्या कहता है उस पर जोर ना देते हुए बल्कि जो गवर्नमेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ बनती हैं, उसको देखते हुए यहाँ पर कोर्ट ने ये जजमेंट पास किया कि स्टेट ऑफ बिहार को उन एम्प्लॉयज की सैलरी पे करनी चाहिए और पे करनी पड़ेगी

Thank you so much and stay connected for further videos.